बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सबीहा किचन फूड सीक्रेट। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता मीठी टिकिया। मीठी टिकिया बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दूध लेंगे 250 ml, सूजी 250 ग्राम, मैदा 500 ग्राम, एक कप चीनी लेके हमने उसको पीस लिया है, 8 चम्मच घी, 4 चम्मच खोपरा, 3 चम्मच तिल के और 1 teaspoon छोटी इलायची पिसी हुई। दूध के अंदर 1 कप पिसी हुई चीनी को ऐड करेंगे। ग्राम जो मैदा था हमारा वो हम डालेंगे, सूजी 250 ग्राम, इलायची पाउडर 3 चम्मच, तेल 4 चम्मच, पिसा हुआ खोपरा, घी ऐड करेंगे इसके अंदर, अब हम यहाँ इसको मिक्स करेंगे। अंदर ये दूध डालेंगे जिसके अंदर हमने चीनी मिक्स करी थी। इसको आटे की तरह हमने गूंदना है। यहाँ हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंदा है और गूंदने के बाद इसकी इस तरीके की शक्ल निकल आएगी। अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम इसके पेड़े बनाकर इसकी टिकिया बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है और चारों तरफ से ये एक जैसी बेली हुई होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। किसी भी ढक्कन या गिलास के किनारे जिसके हो उसकी मदद से इसके हम गोल टिकियां काट लेंगे। इस तरीके से हमने सारे आटे की ये बना के टिकिया बना के रख लेनी है। ये देखिए सब एक जैसी बराबर हैं। अब हम सब पेड़ों का बना लेंगे टिकिया और हम इसको तलेंगे। मीठी टिकियों को फ्राई करने के लिए हमने घी इस्तेमाल किया है। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद टिक्कियों को फ्राई करेंगे। टिक्कियों को लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। कलर आना शुरू हो गया है, सब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। मजेदार और खस्ता मीठी टिक्किया तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।